एक्सेल शेड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वार्षिक अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है और उससे पहले ही जो है तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी बीच में जो है साधु समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर यानी कि जम्मू में पहुँचना शुरू हो चुके हैं और उनके ठहरने के लिए जो है अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वक्त तस्वीरें जो हम आपको राम मंदिर से दिखा रहे हैं जहां पर साधु समाज के लोग जो हैं यहां पर पहुंच चुके हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो है काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। पुराने शहर का प्रसिद्ध राम मंदिर भगवान शिव की स्तुति के मंत्रों से गूंज रहा है। बम बम बोले के जयकारों से माहौल भक्ति में बना हुआ है। इस समय देश भर से साधु पवित्र अमरनाथ जी की गुफा की वार्षिक यात्रा में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुँचने लगे हैं। साधुओं के लिए 2400 घंटे मुफ्त सामुदायिक रसोई सेवा और मेडिकल केयर सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि साधुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जम्मू के पुरानी मंडी क्षेत्र में राम मंदिर अपने विशाल परिसर में साधुओं और साध्वियों की मेजबानी करता है। बम बम बोले जय जय बाबा बर्फानी के नारों के बीच साधु यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 52 दिवसीय ये यात्रा 29 जून को शुरू हो रही है और एक दिन पहले ही तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से और राम मंदिर से गाड़ी के लिए रवाना होगा। साधु संत भगवान शंकर जी का आशीर्वाद लेने और लोगों व देश के कल्याण के लिए प्रार्थना करने के लिए अमरनाथ मंदिर आते हैं। कुछ साधु बरसों से यात्रा कर रहे हैं और कुछ पहली बार यात्रा में आए हैं। जिस किसी को भी बोले का बुलावा आता है वह दौड़ा चला आता है और पवित्र गुफा में दर्शन करके आत्मा को शांति मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए कुछ साधुओं से जाने की कोशिश करते हैं, कितनी आस्था है बाबा बर्फानी में। बाबा जी जय शंकर। बस हर साल की बात है, यहाँ भी अधिक से अधिक मात्राओं में हर प्रांत के साधु संत आ रहे हैं राम मंदिर में और यहाँ पे अधिक से अधिक सुविधा मिल रही है। रहन सहन की सभी प्रकार की उपलब्ध यहाँ सुविधा प्राप्त हो रही है। सुरक्षा कर्मचारियों की तरफ से भी हमें ना कोई निर्भय होकर अधिक से अधिक साधु संत का यहाँ पे मेला सा उमड़ पड़ा है। तो कितनी आस्था है और कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? बस हर साल के बाद ही आज यही है कि बाबा बर्फानी के शरण में रह के भजन करने का एक केवल मात्र मौका मिले और उसके अमर कथा के दो बोल जो कोई भी ना सुन पाए उसका भी एक सुनने का मौका। जय शंकर। बाबा जी जय शंकर की। बाबा जी, वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा पर आप जम्मू पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा को लेकर? हम ये चाहते हैं कि हमारा भी धर्म है, हम जो देवताओं को मानते हैं, अमरनाथ की यात्रा पहली बार करने जा रहे हैं, भक्तों का भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। महाराज जी, इतने वर्षों में आपको मौका नहीं मिला बाबा बर्फानी के दर्शन करने का? नहीं मिला है महाराज जी, हमको पहली बार जा रहे हैं, हमको कोई मौका नहीं मिला है। तो कितने उत्साहित हैं आप? हम उत्साह हैं, हमको यहाँ एक महीना होने वाला है राम मंदिर में। हाँ, राम मंदिर में तो हम यहीं पड़े हैं महाराज जी, खाना पीना भी सभी चीज़ की व्यवस्था है और हमारा जो वहाँ का किराया वो भी राम मंदिर से मिलेगा। अपना नाम बताइए और ये बताइए कितनी आस्था है बाबा बर्फानी में जो दर्शन करने आप यहाँ आए हैं। हर महादेव, मेरा नाम रानी किन्नर है, मैं जूना अखाड़े से सम्मिलन हूँ। यहाँ पे अमरनाथ आने के लिए मैं काफ़ी सालों से इंतज़ार करती हूँ कि कब ये समय आए बाबा बर्फानी जाने का, जिससे कि सभी साधु संतों एवं जो सुविधाएँ हैं वो हमको उपलब्ध हो पाएँ। और मैं दिल्ली से पैदल आती हूँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली से जो है पैदल आ रहे हैं, तो कितनी आस्था है बाबा बर्फानी में? हर साल भाती जैसे आठवीं यात्रा है मेरी, उसी हिसाब से बहुत अच्छा सुंदर आनंद आता है। बाबा जी के दर्शन होते हैं तो हमारे भाग्य भी उजागर होने की संभावना हो जाती है। तो बाबा से कुछ मांगने जा रही हैं? नहीं, जग कल्याण के लिए, सबका कल्याण हो उसमें मेरा भी कल्याण है, और कुछ नहीं चाहिए। जय भोले की, जय भारत, जय महाभारत। पुराने शहर का प्रसिद्ध राम मंदिर भगवान। जय शंकर। बाबा जी जय शंकर।
हर वर्ष जो है वार्षिक अमरनाथ जी की यात्रा जो है इसका आयोजन किया जाता है, और साधु समाज की बात करें उनमें काफ़ी उत्साह होता है। क्या कहना चाहते हैं इस यात्रा को लेकर? शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, बाबा अरफानी दर्शन करें, लाभ उठाए। आज के समय तो अयोध्या में भी हम थे, राम मंदिर जन्मभूमि 22 जनवरी को वहीं थे, धुना लगा था मेरा रामघाट में। श्री पंदस नाम जुना खड़े नागा साधु है ना, हर वर्ष आते, हर वर्ष बाबा अरफानी दर्शन करते। कितने वर्ष हो गए आपको यात्रा करते हुए? 10 साल तो हो गया माने चलो। 10 साल से हर साल आ रहे हैं आप? हाँ जी हाँ। तो जो सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुविधा हर चीज़ यहाँ अति सुंदर है, अति सुंदर है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, बाबाओं की सेवा हो रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से जो है श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, साधु समाज के लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सुविधाओं की बात करें तो हर तरह की सुविधाएं जो हैं प्रशासन द्वारा, एनजीओ द्वारा, संस्थाएं द्वारा दी जाती हैं ताकि ये यात्रा जो है सबके लिए जो है सकुशल हो सके। और जिस तरह से साधु समाज की बात करें तो साधु समाज के लोग जो हैं पहुँचना शुरू हो गए हैं और यात्रा जो है 29 जून से शुरू होने जा रही है। बाबा बर्फानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।